मनुष्य का जीवन लंबा भी हो सकता है और क्षणभंगुर भी। और जिन लोगों को जीवन की क्षणभंगुरता और नश्वरता का एहसास होने लगता है, उनके लिए सामान्य जीवन जीना बहुत ही कष्टप्रद हो जाता है। तरह तरह के विचार और तर्क वितर्क उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। एक बार जब हम आंखें बंद कर भीतर के अंधकार को देखते हैं, तब कुछ प्रश्न स्वाभाविक हो जाते हैं। मैं कौन हूं? जीवन में इतना संघर्ष और दुख क्यों है? मरते वक्त कैसा लगता है? मरने के बाद क्या होता है? ये संसार ऐसा क्यों है? इसे किसने बनाया? मुझे किसने बनाया? और न जाने क्या क्या। और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने हम निकल पड़ते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो कि अनंत है, जो कि अज्ञात है। पंजाब के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसके माँ बाप किसान थे और यह बच्चा अपने माँ बाप का खेती किसानी के काम में हाथ बटाता। इसकी शिक्षा भी कुछ खास नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे टाट वाले बाबा की। 8 या 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। घर वालों का काम में हाथ बटाने के बाद उन्हें जो भी समय मिलता उसमें वे ध्यान करते। जब वे प्रौढ़ हुए तो एक लंबे चौड़े शरीर के मालिक हो गए। उनके कद काठी को देखते हुए उनके मित्रों ने उन्हें फौज की नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने फौज की नौकरी की, मगर 2 महीने बाद ही नौकरी छोड़ दी और साधु जीवन का चुनाव किया। घूमते फिरते वो अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्हें गुरु के रूप में श्री जगन्नाथ दास जी मिले। उन्होंने टाट वाले बाबा को राजयोग में दीक्षित किया और नाम दिया महावीर दास। इस प्रकार टाट वाले बाबा की आध्यात्मिक यात्रा में एक नया आयाम जुड़ गया। वो अपने गुरु के साथ 3 महीने तक रहे। उसके बाद वे स्वयं के लिए एकांतवास की तलाश में निकल गए। गुरु का आश्रम छोड़ने के बाद टाट वाले बाबा को आंतरिक प्रेरणा हुई, जिसके आधार पर वे मणिकूट पर्वत पहुंचे। वहां पर उन्हें एकांत गुफा में एक जटाधारी साधु मिला। उसने टाट वाले बाबा से बातचीत की और उन्हें अपनी गुफा दे दी और कहा कि वह महासमाधि के लिए प्रस्थान कर रहा है। सौभाग्यवश यह गुफा एकांत में थी और इसके पास ही स्वच्छ जल का स्रोत था। उनकी उम्र के विषय में भी लोगों के अलग अलग मत हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी उम्र 120 वर्ष थी। वहीं उनका एक सहपाठी, जिसकी मृत्यु 95 वर्ष में हुई, उसका कहना था कि टाट वाले बाबा की उम्र जब 30 वर्ष हुई, उसके पश्चात उनका शरीर उम्र के हिसाब से ढलना बंद हो गया। और अगर उनकी उम्र 80 वर्ष भी मान ली जाए, उनके सहपाठी की उम्र को देखते हुए, तो 80 वर्ष की उम्र में भी वे 30 वर्ष से अधिक के नहीं नजर आते थे। कहते हैं कि टाट वाले बाबा जिस क्षेत्र में गुफा में निवास करते थे, वहां उन्होंने नागों के राजा से संपर्क किया और उसके बाद उस क्षेत्र में कोबरा सांप ने कभी किसी को नहीं डसा, या यूं कहूं कि कोबरा के डसने से कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। टाट वाले बाबा अपने एकांतवास के दौरान कंदमूल फल पर ही जीवित रहते। कहते हैं कि उनके बारे में सुनकर दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। उनके पास कुछ ऐसे भी जोड़े आए जो संतान सुख से वंचित थे, परंतु टाट वाले बाबा के आशीर्वाद के पश्चात उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। एक बार 2 जर्मन नागरिक उनसे मिलने के लिए आए और
उनसे आध्यात्म के ब्रह्मांडीय परिपेक्ष में चर्चा करने लगे। तभी टाट वाले बाबा ने ताली बजाई और उन दोनों जर्मन नागरिकों को उनके दोनों हाथों के बीच संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। अपने सवालों के जवाब की परिणति जब उन लोगों ने इस रूप में देखी तो वे भयाकुल हो गए और वहां से पलायन कर गए। उनके शिष्य बताते हैं कि वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए। वे इतने बीमार पड़ गए कि वे नित्य कर्म के लिए भी नहीं उठ सकते थे। उनके शिष्य कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मैंने देखा कि मेरे गुरु यानी कि टाट वाले बाबा मेरे समक्ष खड़े हुए हैं और मैं जैसे तैसे उनके सामने बैठ गया। मेरे गुरु ने मेरे माथे पर एक प्याला रखा, मेरे सिर से एक सफ़ेद पदार्थ निकला और उससे प्याला भर गया। इस प्रकार से मेरे गुरु ने चार बार प्याला माथे पर रखा और चारों बार प्याला भर गया। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से मेरे सिर पर कुछ बार थपकी दी। मेरे कमरे का दरवाज़ा मुश्किल से 4 इंच खुला हुआ था, मगर मेरे गुरु आसानी से उसमें से निकल गए। उसके बाद मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। एक बार एक कैनेडियन नागरिक बहुत बीमार पड़ गया। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया मगर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन संयोगवश उसने एक किताब पढ़ी जिसमें टाट वाले बाबा का फोटो था। फिर एक दिन उसे टाट वाले बाबा का स्वप्न आया और स्वप्न में ही टाट वाले बाबा ने उसे एक दवा लेने के लिए कहा। उसने वह दवा खरीद कर खाई और वो ठीक होना शुरू हो गया और लगभग 1 महीने के अंतराल में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ। वह जब तक भारत आया तब तक टाट वाले बाबा महासमाधि ले चुके थे। वह 1 महीने तक उनके आश्रम में रुका और नियमित ध्यान किया। एक दिन ध्यान के वक्त ही उसे टाट वाले बाबा का विजन आया और उन्होंने कहा कि तुमने आने में देर कर दी। कहते हैं कि अपनी मृत्यु के कई वर्ष पूर्व ही टाट वाले बाबा ने यह बता दिया था कि पास ही रहने वाला एक व्यक्ति जो कि उनसे ईर्ष्या रखता है वो स्नान के समय उनकी गोली मारकर हत्या कर देगा। और दरअसल में उनकी मृत्यु हुई भी इसी प्रकार। जब वे सुबह स्नान के लिए गए तो एक व्यक्ति ने उन्हें पीछे से गोली मार दी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, सिद्धों की अवस्था कुछ ऐसी ही होती है कि वे उन घटनाओं को भी देख और समझ पाते हैं जिन्हें हम अपनी सीमित समझ और अपने सीमित ज्ञान के कारण ना ही देख पाते हैं ना ही समझ पाते हैं। परंतु संतों का संतत्व इसी बात में है कि वे हर स्थिति में सम रहते हैं, स्थिर रहते हैं। सिद्धों की परंपरा में आज इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।